अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जौली अज़ीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब स्पाइस मुख्तलिफ़ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्बल प्लांट को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लाजवंती प्लांट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों लाजवंती को इसके अलावा छुई में भी बोला जाता है और इंग्लिश के अंदर इसे सेंसिटिव प्लांट भी बोला जाता है, स्लीपी प्लांट भी बोला जाता है, टच मी नॉट भी बोला जाता है और दोस्तों इसके अलावा शेम प्लांट भी बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे मिमोसा पुडिका बोला जाता है। और दोस्तों इसके बीज और जड़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। और दोस्तों इसे चाइनीज़ इंग्लिश देसी हर्बल मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके बीजों का ऑयल भी बनाया जाता है। और दोस्तों अक्सर ये जो है वीरान जगहों के ऊपर उगा हुआ नज़र आता है, स्पेशल कब्रिस्तानों के अंदर, खाली प्लाटों के अंदर। दोस्तों लाजवंती जो है अक्सर इंडिया के अंदर आम जड़ी बूटी पाई जाती है। और दोस्तों ये इसके अलावा कैरिबियन आइलैंड्स, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर, वेस्ट अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा उगता है। और दोस्तों लाजवंती के जो बीजों का मसाज है सर्द तर है। और दोस्तों इस पौधे के ऊपर पिंकी पर्पल टाइप के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। चले दोस्तों ये तो थे लाजवंती के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स और यूजेस की तरफ। और दोस्तों जिस समय से हरारत को कम करता है ये, और दोस्तों जख्मों को जल्दी ठीक करता है, ऐसे अफराद जिन्हें शुगर है उनके लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ये रखता है। दोस्तों जिस समय किसी भी जगह पर कोई सोजिश हो रही है, कोई गिल्टी भर रही है, कोई ट्यूमर भर रहा है, उसके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों सांस से रिलेटेड बीमारियों के अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों स्पेशली इसे जो है मर्दाना जिंसी अमराज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इससे जरियान का इलाज किया जाता है, इससे एहतराम को इतदाल पर लेकर आया जाता है। और दोस्तों मनी को गाढ़ा करके जिंसी वक्त में इजाफा करता है। और दोस्तों ऐसे मर्द हज़ार जो बिस्तर पर जाते ही ठुस हो जाते हैं, उनके उज़्वे तनासल के अंदर सख्ती नहीं आती, तो अपने वो खुराक के अंदर लाजवंती सीड्स को शामिल कर लें तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। बेहतरीन इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोटेंस वगैरह का इलाज है इसमें। और दोस्तों सुजाक को यानी पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन है, कोई जख्म वगैरह उसे दूर करता है। और दोस्तों ऐसी खवातीन के लिए बेहतरीन है जिन्हें डीएनसी बहुत ज़्यादा होती है और दोस्तों जिनके मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों लाजवंती जो है जनाना बांझपन को दूर करती है और दोस्तों पुराने बुखारों को भी ये दूर करता है। और दोस्तों नज़ला जुकाम खांसी और दमे का इलाज भी इसके अंदर है। और दोस्तों पेट के कीड़ों को ये हला करती है। और दोस्तों कोई आपको जहरीला कीड़ा काट गए उसके डंग के ऊपर भी आप इसका सफ़ो बनाकर लेप कर सकते हैं। और दोस्तों जिस्म के किसी भी हिस्से में खून जा रही है, ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये उसे रोकती है। और दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हैज आता है, हैज को रोकने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों औरतों की जो पसंदीदा बीमारी है लकोरिया, उसका इलाज भी इसके अंदर है। और दोस्तों इसे हैजे के अंदर डायरिया वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चले दोस्तों ये तो लाजवंती के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस बेनिफिट्स, सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके बीज का जो सफूफ जो है आप बना के रख लें और 5 ग्राम तक आप इसे नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन में। तो दोस्तों इतनी क्वांटिटी जो है इससे आपको तमाम जो है इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसे अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, एक्सट्रीम यूज़ करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। और दोस्तों इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल करने से गुर्दों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पित्ता आपका ख़राब हो सकता है। और दोस्तों अगर आप कोई भी इसका नुस्खा यूज़ करें जिसके अंदर लाजवंती सीड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं या इसकी जड़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर हकीम वगैरह से आप मशवरा कर लीजिएगा। और दोस्तों स्पेशली गुर्दे और पित्ते के मरीज जो है इसे खुद से इस्तेमाल ना कीजिएगा। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाजवंती यानी टच मी नॉट प्लांट के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है लाजवंती हर्बल प्लांट के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब स्पाइस मुझसे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, डेली टिप लेना चाहते हैं, और दोस्तों किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियोस बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जौली अज़ीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।